प्रदेश हरियाणा की बड़ी खबरें। एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का भी गठन किया। करनाल के नायब तहसीलदार राहुल बुरा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा उपायुक्त अनिश यादव को सौंपा। उपायुक्त अनिश यादव ने बताया कि इस्तीफा मुख्यालय भेज दिया गया है। नायब तहसीलदार के पद से इस्तीफा देने का कारण काम का ज्यादा दबाव भी बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने का कारण व्यक्तिगत बताया है। फरीदाबाद शहर में नशा तस्करी के सबसे बड़े चेहरे बदमाश बिजेंदर उर्फ लाला के काले साम्राज्य को मंगलवार को प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। लाला ने गैर कानूनी धंधे से कमाई करके साल 2021 तक अवैध कब्जा कर सेक्टर 22 की मछली मार्केट में 18 इमारतें बनाई थी, जिन पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। हिमाचल के कुल्लू स्थित पर्यटन नगरी मनाली के शिकानाला में ट्रैकर बह गया। हरियाणा से 30 ट्रैकर ट्रैकिंग करने निकले थे। शिकानाला पार करते समय इनमें से एक ट्रैकर बह गया। अन्य ट्रैकरों ने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस के अनुसार नाले में बाहर ट्रैकर हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम आशीष शर्मा है। यह ट्रैकर गुड़गांव में BDS फाइनल ईयर का छात्र है। फतेहाबाद के गांव अहरवा के एक बुजुर्ग महिला की सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गई। 64 साल की अमर कौर घर में अकेली रहती थी। वह घर के आंगन में सो रही थी। सुबह पड़ोसियों ने महिला को चारपाई पर मृत देखा। उसके सिर पर चोट के निशान मिले। बुजुर्ग महिला के कानों से बारियां, नाक का कोका और मंदिर से गला गायब मिला है। आशंका है कि लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलने पर DSP सदर थाना प्रभारी यादविंदर सिंह, सीन ऑफ क्राइम टीम इंचार्ज डॉक्टर जोगिंदर मौके पर पहुंचे और जांच की। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।